आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कानपुर पहुंचकर बुलडोजर नीति का विरोध किया। इस दौरान वे योगी सरकार पर जमकर बरसे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं, जहां बुलडोजर से एक माँ और बेटी की हत्या की गई। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि ये कोई तालिबान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। ऐसी घटना हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो सकती, जहां योगी सरकार की पुलिस सामने खड़ी रही और उनके सामने मां बेटी झुलस कर मर गई। यह हत्या योगी सरकार की तरफ से की गई है। संजय सिंह ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस हत्या के जिम्मेदार हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और पीड़ित परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही मामले की जांच हाईकोर्ट से कराई जाए। इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि योगी का बुलडोजर विकास का बुलडोजर नहीं है, विनाश का बुलडोजर है। बुलडोजर मौत का बुलडोजर चला के हत्या की, और आज मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ। आईडी नीचे करो, बराबर। योगी सरकार ने माँ बेटी की आईडी बगल में लगाओ, डीटी वाली, ये वाली निकालो इधर से। बुलडोजर मौत का बुलडोजर चला के हत्या की है, और आज मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ। पति झुलस गया, माँ बेटी की मौत हो गई, बेटा चिल्लाता रहा मेरी माँ जल रही है, मर रही है, और ये पूरा तमाशा आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन के सामने हुआ। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में दोनों बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। इस दौरान SP सिटी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस कस्टडी से दोनों बदमाश फरार हो गए थे, पुलिस से हुई मुठभेड़ में वह घायल हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद किया है। थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत 3 फरवरी को हाईवे पे 3-4 लूट की घटनाएं कारित की गई थी, जिससे संबंधित 2 अभियुक्तों को थाना टीपी नगर पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर में जब इनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, इन बदमाशों को इनके साथ ही पुलिस की कस्टडी से छुड़ा ले गए थे। इसके बाद से ही पुलिस अधीक्षक मेरठ के नेतृत्व निर्देशन में कुल 4 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार इन बदमाशों की चेकिंग और तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में नगर क्षेत्र की अपराध टीम और थाना टीपी नगर पुलिस के द्वारा आर्यपट के पास चेकिंग की जा रही है। प्रयागराज के सराय ममरेज थाना अंतर्गत आने वाले कुंदोरा महादेव मंदिर परिसर में कवरेज के लिए जा रहे पत्रकार के साथ पुलिस ने बदतमीजी की, जहां पुलिस के सिपाही और दरोगा ने गाली गलौज करते हुए पत्रकार के साथ मारपीट भी की। बता दें कि पत्रकार कमलेश गुप्ता ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मेले की कवरेज करने गए थे। इस दौरान सिपाही करणवीर सिंह और दरोगा सोमित सिंह ने पत्रकार को रोक कर उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली। जब पत्रकार ने इसका विरोध किया तो पत्रकार को भद्दी गालियां देते हुए उसके साथ हाथापाई की गई। तो वहीं पत्रकार कमलेश गुप्ता ने ACP हंडिया को लिखित तहरीर भी दी है, लेकिन अब तक इस तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफ जहां पर प्रदेश की योगी सरकार पुलिस प्रशासन को बार बार हिदायत दे रही है कि पत्रकारों के साथ अभद्रता करने को पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं प्रदेश पुलिस योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरती नजर आ रही है। 9 फरवरी को दोस्त की शादी में गए कपड़ा कारोबारी का शव शनिवार को हिमायूपुर के पास नाले में बहता मिला। कई दिन पुराना होने से शव फूल गया था। बता दें कि एक हफ्ते पहले परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की FIR दक्षिण थाने में लिखवाई थी, तो वहीं थाने पहुंचे परिजनों ने कपड़ों से शव की पहचान की, जहां उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि उत्तर क्षेत्र के न्यू तिलक नगर निवासी 22 साल के शिवम उपाध्याय 9 फरवरी की रात करीब 8 बजे अपने दोस्त की शादी में शामिल होने लालाव रोड के महाकाल रिजॉर्ट गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा, जिसके बाद शिवम का पता नहीं चलने पर परिजनों ने 10 फरवरी को दक्षिण थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो वहीं जिसके बाद पुलिस और परिजन युवक की तलाश कर रहे थे, जिसके बाद अब युवक का शव नाले में मिला है, तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। हाँ, हमारा भतीजा है। क्या नाम है?
शिवम उपाध्याय जी। कब से व्यापता हो क्या? ये 9 तारीख से करीब 10:30 बजे से उसमें सीसीटीवी में बैरीजाउन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो हमने देखा है, जब हमें मालूम पड़ा कि ये घर नहीं आया तब तो हमने थोड़ी सी ये जांच की हमने अपने स्तर से। कब से, कितने दिन हो गए? ये करीब 10 दिन हो गया। फिर उसमें आप थाने में शिकायत विकायत की आपने? हम हर जगह दर दर भटके हैं, हर जगह गए हैं। भाई हमारा बच्चा भतीजा है तो जैसी बात। वृंदावन में नगर के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के पास चलती गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां कार पर सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल शनिवार की देर शाम प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के पास स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग गई, जहाँ गाड़ी में सवार 4 लोग किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले। बता दें कि गाड़ी सवार राधा मोहन महेश्वरी अपने परिवार के साथ जागरण में शामिल होने के लिए वृंदावन आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। महाशिवरात्रि होने के कारण प्रेम मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की खासी भीड़ थी, जिसमें आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना जैसे ही हमको फायर स्टेशन भुवनेश्वर पर प्राप्त हुई थी, तत्काल फायर ने घटना स्थल के लिए रवाना हुई। जहां आकर के देखा वृंदावन में पहले से छोटी गाड़ी हमारी दोहार की मध्यगर छुट्टी में लगी हुई, वो आग को बुझा रही थी, आ चुकी थी। तत्काल ही आग को कंप्लीट करके फायर कैंकर से बुझा दिया गया है, कोई जानकारी नहीं हुई है। शीघ्र फायर सर्विस पहुँची है। आग लगने के कारण के बारे में जानकारी दी जा रही है।